ग्रेटर जम्मू से आपसे एक सवाल रहेगा। सबसे पहले आपको आपकी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं है कि आप इस प्रोजेक्ट को बड़ी जल्दी शुरू करवाना चाह रहे हैं, लेकिन सर अगर जम्मू की बात करें तो यहाँ पे रेफरल सिस्टम काफी ज्यादा है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, ऐसे मान्यता है, लोग मानते हैं कि वो जीएमसी या बाकी हॉस्पिटल में रेफर करते हैं, और जो आदमी जीएमसी पहुंचता है पेशेंट, उसको रेस्ट ऑफ द स्पेशली नेबरिंग स्टेट में चंडीगढ़ में पीजीआई में कहीं और रेफर करता है। तो क्या ये सारी चीज़ें कंसीडर करके एम्स काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास सुपर स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल भी है, कहते हैं मशीनरी है लेकिन काम नहीं कर रही, मैन पावर नहीं है, तो इसके ऊपर एम्स जम्मू क्या कुछ देखते हैं? क्योंकि मैंने खुद फेस किया ये चीज़ें, मैं जब दिल्ली एम्स में खास बड़े पेशेंट आते थे न्यूरो सर्जरी के लिए, कैंसर के लिए, आई के लिए, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए, और इस टाइप की जो है उसके लिए आते थे, लेकिन ये सब स्पेशलिटी वी डेवलप इन आवर ओन इंस्टीट्यूशन। आज की डेट में सपोज को जब हम ओपीडी वगैरह स्टार्ट करते हैं, हमें लगता है कि वो फैसिलिटी अभी हमारे पास नहीं है, इट में टेक्स सम टाइम है, क्योंकि टोटल स्मूथ फंक्शनिंग में 6 महीने लगते हैं। हम उसके लिए वो भी डेवलप करेंगे कि उस पेशेंट को अगर स्पेशल ट्रीटमेंट है चाहिए तो वो हम पीजीआई चंडीगढ़ या एम्स दिल्ली में भी रेफर कर सकते हैं। वील डेवलप ए सिस्टम। जस्ट आई वॉन्ट टू शेयर आप सबके कि एम्स दिल्ली जो है वी आर फॉलोइंग ऑल द सिस्टम्स ऑफ एम्स दिल्ली, और उनके उनका मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि तो वो हमें हेल्प करेंगे इसमें, क्योंकि हाई लेवल में डिसीजन मेकिंग है। हमें कोई लगता है कि किसी को फर्दर ट्रीटमेंट है, हम देखेंगे उसको भी भेजना है, हम प्रॉपर ढंग से उसको पूरा रेफर करेंगे ताकि इसको एम्स में जाकर फायदे मिले। लेकिन ये है कि आपका बड़ा पॉइंट है कि जैसे हम खुद देखते हैं कि आर्थोपेडिक कोई एक्सीडेंट केस होता है तो वो एग्जैक्टली बाहर चला जाता है, बिल्कुल लुधियाना चला जाता है, नहीं फिर आप जो एक पेशेंट हो गया हॉस्पिटल वो काम नहीं कर रहा, अभी हम इतने एक्साइटेड है 6 महीने बाद साल बाद पता चला एज इट इज़ है जैसे बाकी। मैं आपसे शेयर करना अलाउड नहीं है कि कोई भी आपसे गलती हमारा जो प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होगा तो देयर विल बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली। सो नोबॉडी इन एम्स इज अलाउड टू डू द प्राइवेट प्रैक्टिस, और हमारा ये कल्चर होता है कि वी आर वर्किंग 24/7। हमारा जो है वो 10 से 4 जो यहाँ जे एन के में जो टाइम है वो नहीं है हमारा। हमारी लेक्चर जो है क्लासेस जो हैं वो 8 बजे सुबह स्टार्ट होती है, बाकी हमारे जो सेमिनार वगैरह होते हैं, डिस्कशन होती हैं, वो 4:30 के बाद शुरू होती हैं, तो शाम को 6-7 बजे तक चलती हैं कि वहाँ पर। और जो 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 लोग टीचिंग रिसर्च में होते हैं हम संडे को भी आते हैं क्लिक। तो मैंने एक स्टडी की थी एम्स दिल्ली में कि हमारी फैकल्टी जो है वो कितना एक्स्ट्रा टाइम या फैमिली टाइम जो है हॉस्पिटल को देते हैं, दैट केम टू अबाउट 34-40% टाइम। और फैकल्टी जो एम्स दिल्ली में है वो जो है 33-40% टाइम पर्सनल टाइम, एक्स्ट्रा टाइम, फैमिली टाइम, संडे टाइम वो इंस्टीट्यूट में देते हैं। तो जैसे रिसर्च की एक्टिविटी होती है उसमें तो आप घर नहीं बैठ सकते, आपको संडे भी आना पड़ेगा, रात को 10 बजे रात को कभी भी वहाँ स्टे करना पड़ता है। तो सेम टाइप ऑफ कल्चर